जौनपुर छात्रा से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने अपने घर में छात्रा को डरा धमका कर बलात्कार किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर युवक को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यहां पर भी रेप को अंजाम देने की कोशिश और उसके बाद आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो छात्रा को डरा धमका कर उसके साथ बलात्कार किया था। जौनपुर से यह बड़ी खबर, पुलिस के शिकंजे में लेकिन रेप का आरोपी इस वक्त। आरोपी ने अपने ही घर में छात्रा से रेप किया। लालच देकर बहला फुसलाकर उसे अपने घर बुलाया और फिर उसे अपनी बदनीयती का शिकार बनाया। लेकिन बड़ी खबर इसमें आपको बता दें कि जो पीड़िता है उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आखिरकार जल्द से जल्द इस आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन कुल मिलाकर मुख्तलिफ हिस्सों से यूपी के बलात्कार की विश्व प्रकाश इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। विश्व प्रकाश, ये पूरा मामला क्या था, कब बलात्कार को अंजाम दिया उस दरिंदे ने और अब पुलिस की हिरासत में है ये दरिंदा? आपको बता दें कि सागंज तहसील क्षेत्र का मामला है, जहाँ की इस किशोरी अपने स्कूल जा रही थी कि बगल के युवक ने उसको डरा धमका कर अपने घर में बुलाया और उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। और जब किशोरी द्वारा हल्ला मचाया गया तो लोग पहुंच गए और उसको किसी से निकाला और तब इस किशोरी ने खुद पुलिस को सूचना दिया और किशोरी अपने पिता के साथ के खिलाफ तहरीर दिया है, जिसको पुलिस संज्ञान लेते हुए आरोपी को हिरासत में लेके मामले की पूछताछ कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस द्वारा कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा रही है, मामला संदिग्ध बताया जा रहा है पुलिस द्वारा। जी बहुत शुक्रिया विजय प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।